हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे गाइस। तो जैसे कि आपने बैनर एंड टाइटल देख के समझ में आ ही गया होगा आपको कि ये भी एक रोड मैप की वीडियो है। जैसे कि मैंने पिछली कुछ वीडियोस आपको रोड मैप की दी थी, जिसके अंदर मैंने आपको फ्रंट एंड, बैक एंड और फुल स्टैक डेवलपमेंट के बारे में बताया था प्रॉपर डिटेल में, और फ्री रिसोर्सेज भी प्रोवाइड कराए थे मैंने। सेम इस वीडियो के अंदर भी मैं आपको क्या करूंगा, एक मैं बहुत अच्छा रोड मैप आपको बताऊंगा कि किस तरीके से एंड्रॉइड डेवलपमेंट करना चाहिए आपको, किस तरीके से फॉलो करना चाहिए 2024 के अंदर आपको। अब विद रिसोर्सेज होंगे जिसमें एक भी आपका पैसा खर्च नहीं होगा, सारी चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट होंगी। कहाँ से आपको सीखनी चाहिए, कौन से चैनल हैं आपके जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट सिखा रही हैं सारी चीजें, अलग अलग प्लेटफॉर्म से, अलग अलग जगहों से आपको ये सारी चीजें मिलेंगी। तो वीडियो पूरा देखिएगा क्योंकि तभी जाके चीजें समझ पाएंगे कि किस तरीके से आपको एंड्रॉइड डेवलपमेंट करनी है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है आपका एंड्रॉइड डेवलपमेंट के अंदर, क्योंकि बहुत रेयर जॉब ओपनिंग्स आपको इसमें देखने को मिलेंगी। बट आप मानेंगे कि जितने भी लोग इसके अंदर हैं वो बहुत ज्यादा हाई सैलरी कमा रहे हैं, तो वो सारी चीजों के ऊपर भी बात करूंगा मैं इसी वीडियो के अंदर। तो वीडियो बहुत अच्छी है, वीडियो काफी इंटरेस्टिंग है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें गाइस। एंड चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को ऑल पे क्लिक करें गाइस। तो जैसे कि आप बात करेंगे एंड्रॉइड डेवलपमेंट के अंदर कि एंड्रॉइड डेवलपमेंट के ऑलरेडी रोड मैप्स यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल हैं, तो आप मेरी ही वीडियो क्यों देखेंगे? क्योंकि मैं इसके एक रीजन देता हूं आपको। जैसे कि जितने भी लोग हैं उन्होंने आपको बताया तो होगा कि ये रोड मैप को फॉलो कर लो, बट उस फॉलो करने के साथ में उन्होंने ये नहीं बताया होगा कि कहाँ से फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको चीजें मिल सकती हैं। पेड जरूर उन्होंने बता दिया होगा एक टाइम के लिए, बट फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मेरे को लगता है कि कोई यहाँ पे इतना देर, इतनी ज्यादा R&D करके आपके लिए कोई टाइम वेस्ट करके प्रॉपर देगा वहां पे? तो वही सारी चीजें गैप को फिल करने के लिए मैं अपनी ये वीडियो बना रहा हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप सबके लिए हेल्पफुल होगी गाइस। तो सबसे पहले बिना किसी देरी के यहाँ पे करते हैं इसको स्टार्ट। तो यहाँ पे मैं बात करूंगा यहाँ पे पहले पॉइंट की कि एंड्रॉइड डेवलपमेंट अगर करना चाहते हैं तो पहला पॉइंट क्या है, क्या चीज सीखें, कौन सी लैंग्वेज से स्टार्ट करें। अगर आप एज अ बिगिनर हैं, आपने आज से पहले कोई भी प्रोग्रामिंग नहीं करी है लैंग्वेज पे काम, तो कौन सी लैंग्वेज होगी आपके लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट? तो मेरे हिसाब से आप कॉटलिन पे जा सकते हैं, कॉटलिन को सीखें आप। कॉटलिन क्या है कि आपकी, ये कह सकते हैं कि अगर जिन लोगों को भी जावा आती है, जावा का एक्सपीरियंस है, उन लोगों के लिए कॉटलिन बहुत ईजी रहने वाला है। बट अगर आप एज अ फ्रेशर जाएंगे तो कॉटलिन फ्रेश स्टार्ट करेंगे तो थोड़ा सा आपका डीप डाइव होगा, कोड ज्यादा डीप जाएंगे आप। बट यस, एक बार अगर आपने टाइम स्पेंड कर लिया कॉटलिन के साथ में तो बहुत सारी चीजें आप सबके लिए आसान हो जाएंगी। क्यों हो जाएंगी आसान, आगे चल के बताता हूँ मैं आपको। ओके, अब बात करें इसके अंदर पॉइंट्स की, लाइक की पॉइंट्स कौन कौन से हैं, क्यों कॉटलिन के साथ में कौन कौन सी एप्लीकेशन बना सकते हैं आप। जैसे मोबाइल एप्लीकेशन की बात करें तो नेटिव एप्लीकेशन आप बना सकते हैं, और एक सेकंड बना सकते हैं आप यहाँ पे अक्रॉस प्लेटफॉर्म एप्लीकेशन के। अब ये दो डिफरेंट काइंड ऑफ एप्लीकेशन होती है गाइज, ध्यान रखिएगा। नेटिव एप्लीकेशन क्या होती है, प्रॉपरली एंड्रॉइड और पैसिफिक एंड्रॉइड को ही देख के बनाई जाती है, और एक ही डिवाइस के लिए होती है वो। बात करें मल्टीपल डिवाइस के लिए बनानी है आपको, तो उसके अंदर आ जाता है आपका अक्रॉस प्लेटफॉर्म एप्लीकेशन के बारे में, जिसके अंदर हम यूज करते हैं डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस, और जिनके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, एक ही बेस कोड बेस से हम iOS के अंदर भी चीजें चला सकते हैं और एंड्रॉइड के अंदर भी चला सकते हैं। ओके, तो जैसे कि मानिए कि आपको मीनिंग नहीं पता अभी कि व्हाट इज अ नेटिव एप्लीकेशन, ठीक है, नेटिव ऐप जैसे कि बोला जाता है। तो आप मानिए कि आपने कॉटलिन स्टार्ट कर दिया और कॉटलिन सीखना चाहते हैं आप, ठीक है, तो कॉटलिन के बाद में आप क्या कर सकते हैं कि एंड्रॉइड स्पेसिफिक चीजें ही बना पाएंगे आप। अब एंड्रॉइड स्पेसिफिक चीजें ही क्यों, क्योंकि कॉटलिन क्या करेगा कि वो स्पेसिफिक चीजों पे ही आपकी चीजें हेल्प कर पाएगा। ओके, और मेरे हिसाब से कॉटलिन हार्डली एक एक महीने तक ही, एक महीने के अंदर आप सीख जाएंगे आराम से अगर रेगुलर पढ़ रहे हैं आप 4 to 5 hours। एंड इसके बाद में बात करें नेक्स्ट आपका होगा अक्रॉस प्लेटफॉर्म एप्लीकेशन के बारे में, कि अगर बनाना चाहते हैं मल्टीपल डिवाइस के बारे में, तो वहां पर आपको मिलता है फ्लटर या रिएक्ट नेटिव, राइट। React Native से भी आप वहां पे चीजें बना सकते हैं, Flutter से भी। Flutter आपका क्या करता है कि Android प्लस iOS के अंदर आपकी एप्लीकेशन सेम कोड बेस के साथ में रन करवाने में हेल्प करता है आपकी। एंड सेकंड, आप अगर Flutter चुन रहे हैं तो आप फिर Kotlin नहीं चुन सकते, ध्यान रखिएगा। क्यों मैं बताता हूँ, इसके पीछे रीजन है। जैसे कि मानिए कि मैंने Kotlin स्टार्ट कर दिया, तो Kotlin के बाद में अलग अलग चीजें मेरे को सीखनी पड़ेंगी। Kotlin पूरा कोड बेस ही अलग है, अलग मेथड है, अलग अप्रोच है उसकी। बट बात करें यहाँ पे अगर मैं फ्लटर सीख रहा हूँ तो फ्लटर के साथ में मेरे को यहाँ पे डार्ट सीखना पड़ेगा, या फिर iOS की बात करें तो iOS में स्विफ्ट सीखना पड़ेगा मेरे को। तो ये सारी चीजें आपकी डिफरेंट हो जाती है क्रॉस प्लेटफॉर्म के अंदर आने के बाद, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, जब कभी भी कोई पाथ सिलेक्ट करें, कोई एक लैंग्वेज सिलेक्ट करें, तो आपको पहले से ही एक आइडिया होना चाहिए कि आप कहाँ जा रहे हैं और क्या चीज यूज करने वाले हैं आगे चल के, ठीक है। इसके बाद है नेक्स्ट कि हाई परफॉर्मेंस से रिलेटेड, व्हाट इज अ हाई परफॉर्मेंस एप्स, कैसे बना सकते हैं आप हाई परफॉर्मेंस ऐप। तो आप बना सकते हैं हाई परफॉर्मेंस ऐप नेटिव एप्लीकेशन के अंदर।
अब यहाँ पे बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होगा, क्रॉस प्लेटफॉर्म एप्लीकेशन के अंदर क्यों नहीं बना सकते हम। क्रॉस प्लेटफॉर्म एप्लीकेशन के अंदर हमारे पास में थोड़ी बहुत बाउंड्रीज होती हैं, जिनको हम वहां से हम बाहर नहीं निकल सकते। जैसे कि मानिए कि हमारे पास में कोई मोबाइल फोन है या आईपैड है, हम चाहते हैं उसके हार्डवेयर की चीजों को यूज करना या फीचर्स को यूज करना अपनी एप्लीकेशन के अंदर, तो वो पॉसिबल नहीं है वहां पे। बट अगर यही चीज अगर मैं चाहूँ नेटिव एप्लीकेशन के अंदर, जो कि डिपेंड है आप, तो वहां पे ये सारी चीजें पॉसिबल है। इसलिए हम क्या देखते हैं, जितनी भी कंपनीज हैं वो आपका ये नहीं है कि फ्लटर के ऊपर ज्यादा चीजें करती है। फ्लटर आपके क्या है कि मिड रेंज या आपकी स्टार्टअप जितनी भी कंपनीज होती हैं वो आपके बजट के अंदर चीजें चाहती हैं, तो आप फ्लटर या रिएक्ट नेटिव के साथ में जा सकते हैं। बट अगर आप चाहते हैं प्रॉपर डेडिकेटेड एप्लीकेशन डिजाइन करना, तब आपके पास में यहाँ पे मिलता है कॉटलिन का ऑप्शन, और कॉटलिन से ही मॉडर्न एप्लीकेशन में चीजें बनाई जा रही है यहाँ पे। ठीक है, इतनी चीज क्लियर है आपके लिए। अब इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है पॉइंट आपका, वो होता है ये इंपॉर्टेंट भी है और नहीं भी। क्यों? अगर आपने कॉटलिन चूज कर लिया, कॉटलिन के बाद में एक ऐसी लाइब्रेरी अभी आपको बताऊंगा मैं, जो कि यूज करने के बाद में बहुत इजी हो जाता है वहां पे आपका यूआई का पार्ट, लॉजिक का पार्ट और बहुत सारी चीजें। बट अगर आपके पास में बेसिक अंडरस्टैंडिंग है एक्सएमएल की, जो कि सेकंड पॉइंट है आपका, एक्सएमएल अगर आपको आता है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, या आप पढ़ लेंगे इसके बारे में थोड़ा सा, तो बहुत बेहतर होगा कि किस तरीके से ये चीजें लिखी जाती हैं। अब मानिए कस्टम चीजें आप लिख रहे हैं कॉटलिन के अंदर और आप वहां पे चीजें चलाना चाहते हैं, तो पहले क्या होता था, जावा के साथ में जावा की एप्लीकेशंस होती थी, राइट? तो वहां पे आपका एक्सएमएल भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता था, तो आपको उसका एक आइडिया होना चाहिए। वही चीज मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ कि बेसिक अंडरस्टैंडिंग होगी तो अच्छा होगा, वैसे कोई सच जरूरी नहीं है, ठीक है। बट इसके बाद में जो थर्ड पॉइंट है, जो थर्ड पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है जिस लाइब्रेरी की बात कर रहा हूं मैं, वो है आपका जेटपैक कंपोज। ये है क्या है आपका जेटपैक कंपोज, क्या करता है आपका यूआई, लॉजिक, सारी चीजें आपका क्या करता है, एक ही आप अंदर कॉटलिन के अंदर ही लिख सकते हैं। कोई भी अलग यहाँ पे लैंग्वेज यूज करने की जरूरत नहीं है, कोई लाइब्रेरी यूज करने की जरूरत नहीं है। इसीलिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपको लेटेस्ट जेटपैक कंपोज के बारे में पता होना चाहिए, किस तरीके से एप्लीकेशन डिजाइन हो रही है, और वो सारी की सारी चीजें आप फॉलो करें जो वहां पे गाइडलाइंस दिए हैं। उसकी डॉक्यूमेंटेशन भी बहुत अच्छी है, कॉटलिन की भी डॉक्यूमेंटेशन बहुत अच्छी है, इसलिए मैं पर्सनली सजेस्ट कर रहा हूँ आपको कि वो चीज सीखें आप, ठीक है। बात करते हैं इसके बाद में नेक्स्ट कि आप कैसे फंडामेंटल्स क्लियर करेंगे, फंडामेंटल कौन कौन से होते हैं, बेसिक फंडामेंटल कैसे होते हैं एंड्रॉइड डेवलपमेंट के, और कहां से सीखें वो सारी सारी चीजें। तो बेसिक फंडामेंटल की बात करें तो फॉर एग्जांपल रूम डेटाबेस, आपको पता होना चाहिए कि रूम डेटाबेस कैसे बनता है, कैसे उसको क्वेरी चलाएंगे, कैसे आप कनेक्ट करेंगे, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। या फिर उसके साथ में आप फायरबेस कर लें यूज, की फायरबेस कैसे यूज होता है यहाँ पे। देन इसके बाद में आप यूज कर सकते हैं यहाँ पे रेट्रोफिट पैकेज, एक रेट्रोफिट पैकेज होता है, उसको कैसे यूज करना है ये भी आप यूज कर सकते हैं। एंड फोर्थ आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं कि जितनी भी सारी चीजें मैं ये बता रहा हूँ उनको कंबाइन एक एप्लीकेशन के अंदर कैसे यूज करा जाता है, कैसे कंट्रोल करा जाता है, ये सारी चीजें भी आप बना सकते हैं एक एप्लीकेशन के अंदर। और उसी एप्लीकेशन के अंदर आप एपीआई हैंडल करना, एपीआई को कंज्यूम करना, एपीआई से डेटा भेजना, और ये सारी चीजें कैसे हैंडल करेंगे उसके बेस में, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, जो कि बेसिक फंडामेंटल के अंदर आती है आपकी एंड्रॉइड डेवलपमेंट के अंदर। आप नोटिफिकेशन हैंडल करना या एरर हैंडल करना या मेन्यू कैसे शो होंगे, ये सारी की सारी चीजें। अब बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होगा कि जो आप भी इससे पहले आपने बताया कि जेटपैक कंपोज वो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, क्योंकि गाइस उसके अंदर ना स्टेट मैनेजमेंट आपको मिल जाता है, नेविगेशन ग्राफ मिल जाता है आपको, यूआई डिजाइन एंड बिल्ड मिल जाता है आपको उसके अंदर, लेजी कॉलम मिल जाता है, लेजी लेआउट मिल जाता है उसके अंदर, बहुत सारी चीजें हैं जो कि आपको एक ही जगह पे एक ही कोड बेस के अंदर सारी चीजें प्रोवाइड कराता है, जिसकी वजह से सारी की सारी चीजें आपके लिए बहुत ईजी हो जाती है गाइस। ओके, तो बेसिक फंडामेंटल भी आप समझ गए, स्टेप समझ गए कि आपको कॉटलिन करना है, कॉटलिन के बाद में आपको बेसिक अगर अंडरस्टैंडिंग चाहिए तो एक्सएमएल के ले सकते हैं आप। देन इसके बाद में आप जेट पैक तो कंपलसरी है कि आपको सीखना ही चाहिए लेटेस्ट ऐप डेवलपमेंट के अंदर। ओके, इसके बाद जितनी भी मैं यहाँ पे डेटाबेस की बात करी मैंने, या लाइब्रेरीज की बात करी, या कॉन्सेप्ट की बात करी, वो आपको पता होने चाहिए यहाँ पे। एंड देन इसके बाद में आपको बनाने हैं प्रोजेक्ट्स, प्रोजेक्ट्स में आपको कौन कौन से प्रोजेक्ट्स बनाने होंगे। जैसे कि मानिए कि आपको प्रोजेक्ट्स क्रिएट करने, तो सबसे पहले एक टू डू लिस्ट, जिसको कि हम अपने मोबाइल फोन्स के अंदर देखते हैं नोट्स एप्लीकेशन के नाम से, वहां पे आप क्या कर सकते हैं, नोट्स एप्लीकेशन के अंदर आप ऐड करंट सिस्टम, बेसिकली क्रिएट अपडेट डिलीट, ये बना सकते हैं। और या तो आप म्यूजिक प्लेयर बना सकते हैं कि म्यूजिक प्लेयर कैसे फोन के अंदर काम करता है, क्योंकि उसमें आपका फोन का हार्डवेयर भी टेस्ट हो जाएगा उसी बहाने, राइट। एंड देन इसके बाद में आप वीडियो प्लेयर भी बना सकते हैं, और इसी के साथ में आपके पास में इसी सब चीजों के लिए एक लाइब्रेरी मिलती है जिसका नाम है EXO प्लेयर लाइब्रेरी, जिसको यूज करके ये सारे के सारे प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं। या फिर आप बात कर लें जो फेमस एप्स हैं, जोमेटो हो गई, स्विगी हो गई,
इस तरह की एप्स का क्लोन भी बना सकते हैं अगर आपने इतनी सारी चीजें सीख ली, तो डैम श्योर कि आपके सारे की सारी रिवाइज हो जाएंगी चीजें जो भी मैंने अभी ऊपर फंडामेंटल्स आपको बताए हैं। अब ये सारी चीजें बनाने के बाद में सबसे इंपॉर्टेंट कि आप अपने कोड बेस को कहाँ रखेंगे, क्योंकि लोकल सिस्टम के अंदर तो ये सारी चीजें रहेंगी नहीं, तो आपको यहाँ पे वर्जन कंट्रोल आना चाहिए जो कि आपका गिट हो जाता है या गिटहब होता है, जिसके अंदर आपको सारी चीजें पता होनी चाहिए किस तरीके से आपको अपना कोड यहाँ से पुश करके लोकल से अपने गिटहब का अकाउंट पे पहुंचाना है, या फिर जितनी भी चेंजेस कर रहे हैं कमिट कैसे होता है, पुल होता है, मर्ज कैसे करते हैं, ये सारी चीजें इतनी बेसिक अंडरस्टैंडिंग होगी तो आपको इंटरव्यू निकालने में ईजी रहेगा, तो इसीलिए मैंने ये पॉइंट ऐड करा है। अब इसके बाद में नेक्स्ट आपके लिए एक चीज और इंपॉर्टेंट हो जाती है कि अगर आप में से बहुत सारे लोग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भी होंगे जो कि बहुत अच्छा सीख लेंगे, जिन्हें बहुत अच्छा आता होगा एंड्रॉइड डेवलपमेंट, ठीक, तो वो क्या करें, इसके बाद आप लोग क्या कर सकते हैं कि कंट्रीब्यूट करें ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स के अंदर, जैसे कि बहुत सारे गूगल्स के ऊपर आपको मिल जाएंगे अलग अलग लाइब्रेरीज जो होती हैं या कोई एप्लीकेशन चल रही होती है जिनके ऊपर आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं और अपने आप को वहां पे शोकेस कर सकते हैं उस चीज को रिज्यूम के अंदर कि आपने वहां पे कंट्रीब्यूट करा है और वहां पे आपका कोड वहां पे एक्सेप्ट हुआ है जो भी आपने लॉजिक लिख के दिया है वहां पे, राइट। इसके बाद है आप यहाँ पे क्या करना है आपको अपने आप को और इनहेंस करने के लिए इसी एंड्रॉइड डेवलपमेंट के अंदर, तो एंड्रॉइड डेवलपमेंट के अंदर जिस सारी चीजें पढ़ ली आपने, एप्स भी बना लिए, प्रोजेक्ट्स भी बना लिए, अब इसके बाद में आप क्या करेंगे, नेक्स्ट हैकरथॉन की बात करेंगे, हैकरथॉन जहां पे भी चल रहा होगा उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, टीम्स के साथ में कैसे काम करना है जो भी आपने सीखा है अभी तक उन सारी चीजों को आपको बताना पड़ेगा, करके दिखाना होगा वहां पे, तो ये सारी चीजें आप वहां पे कर सकते हैं, राइट। इसके बाद में नेक्स्ट आपको क्या करना है, आपको फ्रीलांसिंग स्टार्ट अगर करनी है तो फ्रीलांसिंग कर सकते हैं, नहीं तो अपनी प्रोफाइल आपको बनानी होगी naukri.com पे, linkedin.com पे और जितने भी जॉब पोर्टल्स हैं वहां पे, और वहां से आपको फिर अपनी जॉब सर्च करनी होगी और यहाँ पे अपने शोकेस करने होंगे रिज्यूम और अपने गिटहब प्रोफाइल के बारे में सारी चीजें, ओके। तो ये सारी इतनी मोटी मोटी चीजें जो मैंने आपको बताई हैं, काफी फास्ट बताई हैं मैंने, ओके, फास्ट इसलिए बताई हैं क्योंकि ज्यादा डिटेल में मैं नहीं गया हूं, बस मैंने आपको टॉपिक्स बताए हैं कि क्या होता है आपको एंड्रॉइड डेवलपमेंट, रोड मैप कैसे आपको रेडी रखना है, ये जितना भी मैंने आपको चीजें बताई हैं ज्यादा से ज्यादा 2 महीने या 3 महीने की चीजें हैं, आप कवर कर सकते हैं आप रेगुलर अगर 3 से 4 घंटे या 4 से 5 घंटे दे रहे हैं अपने आप को, तो अगर आप वर्किंग हैं और कोई सी जॉब करते हैं तो आप 1 से 2 घंटे 3 घंटे दे के भी ये चीजें कवर कर सकते हैं, फिर आपका 1-2 महीने एक्स्ट्रा हो जाएंगे, बट जितनी भी चीजें मैंने आपको बताई हैं वो सारी की सारी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आप फॉलो करेंगे तो बहुत ज्यादा हेल्प होगी आपके करियर को बूस्ट करने में, और अगर आप एक अपने आप को एज अ बिकम एंड्रॉइड डेवलपर देखना चाहते हैं 2024 या 2025 के अंदर, तो ये सारी चीजें आपको फॉलो करनी चाहिए। अब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बहुत सारे लोगों का होगा कि भैया जॉब जो होती है जॉब के पैसे कितने बनते हैं इसके अंदर, राइट, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, कितने पैसे बन रहे हैं यहाँ पे, तो आपका क्या है कि इनिशियल स्टेज पे तो आप सबको पता है कि स्टार्टिंग एंड मिड रेंज की कंपनीज होंगी वो आपको 20,000 से लेके आपके 35,000 40,000 के अराउंड भी रख सकती हैं, जैसे जैसे एक्सपीरियंस गेन होगा आपका पैकेज 8 लाख 10 लाख 12 लाख के आसपास जाएगा, बट यस मैंने बहुत सारे लोगों का जो मेरे खुद के फ्रेंड्स हैं उनमें देखा है मैंने आपका 30+ 40+ और कुछ का तो 70-75+ भी है पैकेज नियर बाय 1 करोड़ 1 CR, तो इसमें है काफी स्कोप है, बट स्कोप आपका ऐसा नहीं है कि जैसे कि आपने देखा होगा वेब एप्लीकेशन के अंदर सारे के सारे लोग वेब एप्लीकेशन के अंदर जा रहे हैं, तो सारे लोग इसमें नहीं आते हैं, बहुत रेयर लोग होते हैं जो कि एंड्रॉइड डेवलपमेंट करते हैं, बट जितने भी लोग करते हैं बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हो जाते हैं वो, क्योंकि टाइम लगता है उनको, हसल करना पड़ता है, एक दिन का नहीं है कि एक दिन में आपने सीखा और चीजें मिली और आपको जॉब लग जाएगी, और अगर आप बहुत लकी रहे तो बहुत अच्छी अच्छी कंपनी और बहुत अच्छी टीम्स में मिल सकती है जॉब, और जब आप उनमें जाएंगे सीखेंगे नई नई चीजें तो आप अपने आप को एज अ टीम लीड मैनेजर इस प्रोफाइल तक भी पहुंचा पाएंगे इस केस में, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीजें हैं इसके अंदर। अब आप में से बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होगा कि भैया आपने बताया था कि डॉक्यूमेंटेशन जो रिसोर्सेज ये सारी सारी चीजें कहाँ से मिलेंगी हमें, तो गाइस यहाँ लेके चलता हूँ मैं आपको अपनी स्क्रीन पे, और यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ अपनी स्क्रीन के साथ में सारी चीजें। मेरी स्क्रीन पे आने के बाद में सबसे पहले आपको यहाँ पे ब्राउजर पे दिख रहा होगा गाइस, राइट, तो ब्राउजर पे आपको यहाँ पे विजिबल हो रहा होगा, तो देखिए यहाँ पे डेवलपर नाम की आपकी मैंने वेबसाइट खोल रखी है, तो यहाँ पे आपका क्या है कि मॉडर्न एंड्रॉइड अगर एप्लीकेशन आपको बतानी है, जैसे मैंने आपको बताते हुए आया हूँ मैं इस रोड मैप की वीडियो के अंदर, तो आप यहाँ से अप्रोच लगा सकते हैं कि कौन सी अप्रोच रखनी है, क्या क्या चीजें सपोर्ट करती है, जैसे मैंने आपको बताया अगर जावा की आपको नॉलेज होगी तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी है कोई बात नहीं है, कोई इश्यू नहीं है। अब देखिए जावा लैंग्वेज या कॉटलिन कैसे कैसे चीजें आपकी यहाँ पे चलेंगी वो सारी चीजें यहाँ पे मेंशन कर रखी है, राइट। अब इसके बाद में आप चाहते हैं तो यही वेबसाइट आपको ट्रेनिंग से रिलेटेड कोर्स भी प्रोवाइड कराती है फॉर एज अ बिगनर, अगर आप बिगनिंग कर रहे हैं अपने आपके करियर को, यहाँ पे स्टार्ट कोर्स पे क्लिक करना है, यहाँ पे क्लिक करने के बाद में देखिए सारी चीजें आपके पास में मिल जाएंगी, क्या क्या चीजें आपको चाहिए यहाँ पे,
और किस किस चीजों का ध्यान रखना है, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, सारी की सारी चीजें। और एक चीज और गाइस, जैसे कि आपको पता है कि एंड्रॉइड डेवलपमेंट के लिए लैपटॉप बहुत अच्छा चाहिए होता है, क्योंकि एंड्रॉइड स्टूडियो हमें चलाना होता है तो अच्छे खासे लैपटॉप की जरूरत होती है, ये नॉर्मल लैपटॉप्स के अंदर चीजें नहीं चल पाती हैं। तो ध्यान रखिएगा कि आपके पास में एक अच्छा खासा कॉन्फिगर लैपटॉप या सिस्टम होना चाहिए जिसके अंदर ये सारी की सारी चीजें आप प्रैक्टिस कर सकें, और आप अपने किसी भी फोन के साथ में इस चीज को टेस्ट कर सकते हैं, उसमें कोई इश्यू नहीं है। अपने फोन के साथ में प्लग करके यूएसबी के साथ में आप बनाएंगे चीजों को, तो बहुत ज्यादा आपको इनहेंस करने में और सीखने में आसानी होगी चीजों के लिए, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट, यहाँ पे आपका बेसिक कंपोज के साथ में आप सीख सकते हैं। देखिए ये भी कोर्स यहाँ पे अवेलेबल है जो कि मैंने अभी आपको दिखाया। तो ये सारे के सारे कोर्सेज आपको यहाँ पे मिलते हैं जो कि एक आपकी अंडरस्टैंडिंग कर देंगे कि कंपोज के साथ में कि कैसे आपका कंपोज काम करता है, जेट कंपोज काम करता है आपका, जो कि मैंने आपको बताया था, क्योंकि उसके अंदर प्योर आपको कॉटलिन की कोडिंग ही लिखनी पड़ेगी। कोई भी ऐसा नहीं है अलग से लाइब्रेरी या थर्ड पार्टी लाइब्रेरी यूज करके आप वहां पे चीजें कर रहे होंगे, तो ये चीज बहुत अच्छी होगी आपकी। टाइम लगेगा बट आप अगर एक बार चैंप बन जाएंगे इसमें तो बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा आपके लिए। तो अब नेक्स्ट, यहाँ पे आने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे मैंने एक चैनल मेंशन कर रखा है आपका, फ्री कोड कैंप। ओके, यहाँ पे इन्होंने कोर्स बना रखा है, पूरा कोर्स है आपका ये अराउंड 13 घंटे का, ठीक है, कॉटलिन के ऊपर। आप इसको देख लीजिए, ये वीडियो आपके लिए इनफ रहेगी फ्री ऑफ कॉस्ट में, और यहाँ पे सारी चीजें इन्होंने कवर कर रखी है बेसिक से लेके एडवांस तक, ठीक है, इसको कवर कर सकते हैं। इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में, सारी चीजों का लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल रहेगा। इसके बाद है नेक्स्ट, आपको मैंने जो रिएक्ट नेटिव आपको बताया कि रिएक्ट नेटिव आपको करना चाहिए, तो रिएक्ट नेटिव के लिए भी यहाँ पे मैंने रखा है, तो रिएक्ट नेटिव आप यहाँ पे कर सकते हैं, पूरा कोर्स है ये आपका। ओके, इसको देख सकते हैं आप। इसके बाद में नेक्स्ट है आपका यहाँ पे फ्लटर से रिलेटेड, अगर आप चाहते हैं, देखिए रिएक्ट नेटिव, फ्लटर, ये सारी आपकी क्रॉस प्लेटफॉर्म एप्लीकेशन डिजाइन करने में हेल्प करेंगे आपकी। तो कॉटलिन हो गई आपकी सेपरेट, और ये दोनों हो गए आपके सेपरेट, इसलिए मैं आपको सेपरेट सेपरेट सारी चीजें बता रहा हूँ कि कहाँ से कौन सी चीज सीख सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों का अपना अपना ओपिनियन होगा, अपनी अपनी चॉइस होंगी, इसलिए सारी चीजें मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करा रहा हूँ। इसके बाद है नेक्स्ट आपका यहाँ पे आपको अगर जो जेट पैक कंपोज जो मैंने आपको बताया सीखना मैंडेटरी है, क्योंकि लेटेस्ट आपकी जितनी भी मॉडर्न एप्लीकेशन बन रही है उसी को यूज करके बन रही है, तो यहाँ पे ये चैनल है आपके, इससे यहाँ पे सीख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। इसके बाद है नेक्स्ट, नेक्स्ट आप चाहते हैं यहाँ पे कि एंड्रॉइड रूम, जो रूम डेटाबेस के बारे में मैं बात कर रहा था, वो कैसे यूज होता है, कैसे उसे बनाना चाहिए, कैसे हैंडल करना चाहिए, ये एक चैनल है आपका, यहाँ पे जाके चीजें सीख सकते हैं आप, इन्होंने काफी अच्छे से बता रखी है, यहाँ पे आपके लिए हेल्प हो जाएगी बहुत सारी। इसके बाद है नेक्स्ट आपका कि आप फायरबेस के बारे में भी नहीं जानते, फायरबेस कैसे होता है, कैसे उसको यूज करना चाहिए, ये सारी चीजें, तो ये आपके पास में एक चैनल मिलता है, यहाँ पे सारी चीजें इन्होंने कवर कर रखी है। ये कोर्स अराउंड 2 से 2.5 घंटे के बीच का है, तो यहाँ पे आपको सारी चीजें इन्होंने कवर कर रखी है बेसिक टू एडवांस, इस चैनल को आप कंसिडर कर सकते हैं यूट्यूब के ऊपर। इसके बाद है नेक्स्ट आपका, जैसे मैंने आपको बताया था आपका रेट्रोफिट के बारे में कि रेट्रोफिट आपको सीखना चाहिए, ठीक है, तो जैसे बेसिक फंडामेंटल के अंदर मैंने आपको बताया था, तो ये आप यहाँ पे इस चैनल के थ्रू ये सारी चीजें सीख सकते हैं, इन्होंने प्रॉपर डिटेल में कवर कर रखा है यहाँ पे। इसके बाद है नेक्स्ट, आप चाहते हैं कि आपको अंडरस्टैंडिंग आ गई सारी चीजों की, सीख लिया आपने, अब एपीआई डेवलपमेंट कैसे करते हैं, एपीआई के अंदर क्रड एप्लीकेशन कैसे बनाएंगे प्रॉपर एप्लीकेशन के अंदर, मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर, तो ये चैनल है आपके पास में। एपीआई इंटीग्रेशन कैसे होता है एंड्रॉइड के अंदर, ये सारी चीजें उन्होंने कवर कर रखी है आपकी, 55 मिनट की वीडियो है, इनफ है आपके लिए, बहुत आसानी से सीख सकते हैं। इसके बाद है नेक्स्ट, यहाँ पे आपका है गिट एंड गिटहब से रिलेटेड, आप इस चैनल को कंसिडर कर सकते हैं इस चीजों को सीखने के लिए। तो ये सारे के सारे चैनल वो थे, जो डॉक्यूमेंट्स वो थे जहां से आप एंड्रॉइड डेवलपमेंट सीख सकते हैं, जो कि मैंने आपको यहाँ पे डिटेल में बताए हैं गाइस। उम्मीद करता हूँ कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट जितने भी रिसोर्सेज मैंने आरएनडी करी हैं, खुद से मैंने टाइम स्पेंड करा है जिन चीजों के ऊपर, वो मैंने आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल करवाए हैं, तो जाएं देखें वीडियो, इंजॉय करें इन सारी चीजों को, और वो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये हेल्प करें सारी वीडियो। और अगर इसके बाद भी कोई डाउट रह जाता है आपका एंड्रॉइड डेवलपमेंट से रिलेटेड, तो कमेंट सेक्शन आप सबके लिए ओपन है, आप कमेंट कर सकते हैं, और अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें गाइस। आप में से जितने भी नए लोग हैं उनसे फिर दोबारा एक बार और रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पे क्लिक करें, जिससे कि वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। उम्मीद करता हूँ गाइस कि वीडियो पसंद आई होगी, तो मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टिल देन बाय बाय गाइस।